इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूँ मैं आपको। तो जो सब 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 सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो गाइज ये समटाइम्स तो SN1 रिएक्शंस पे डिटेल्ड नोट लिखने के लिए आ जाता है, समटाइम्स SN2 रिएक्शंस के ऊपर डिटेल्ड नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इन दोनों का कंपेरिजन भी आपस में आ जाता है, हाउ यू कंपेयर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो इन एवरी केस आप लोगों ने ये इसको लिखना है। हाँ, अगर कंपैरिजन आ जाए तो उसके लिए होता है कि आप पेज के सेंटर में लाइन लगा के तो एक पॉइंट SN2 का लिखेंगे, फिर एक पॉइंट SN1 का लिखेंगे। इसमें पहले SN2 को एक्सप्लेन किया जाता है, SN1 को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। उसकी सिंपल सी रीज़न है, SN2 सिंपल होते हैं तो प्राइमरी और कार्नियल लाइट शो करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको पहले एक्सप्लेन करते हैं। फिर जिसको SN2 की समझ आती है, फिर आगे उसको SN1 की भी अच्छी तरह से समझ आ जाती है। तो गाइज उसके बाद हम चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन पे, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, SN1 SN2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एलिमिनेशन पूछा जाए तो E1 एंड E2 दोनों साथ ही लिखने होते हैं, तो SN1 और E1 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो गाइज अब उसके बाद जो है, जो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ग्रिग्नर्स रिएजेंट है। ग्रिग्नर रिएजेंट की प्रेपरेशन है और साथ में उसकी रिएक्टिविटी है। और गाइस रिएक्टिविटी में जो पहले चार रिएक्शंस हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, हाउ अल्केन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नर्स रिएजेंट। तो पहले चार रिएक्शंस आपने उसकी रिएक्टिविटी के लिखने होते हैं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है गाइज, इसकी निस्बत जो दूसरा क्वेश्चन है, जो आखिरी चार रिएक्शंस हैं, पहले सबसे लास्ट रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल बनती है, फिर सेकंड लास्ट में टर्शरी अल्कोहल बनती है, थर्ड लास्ट में सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, और जो सेकंड लास्ट होता है उसमें प्राइमरी अल्कोहल बनती है। तो जो है फोर्थ लास्ट जो होता है उसमें भी प्राइमरी अल्कोहल बनती है। तो इस तरह इन रिएक्शंस में देखें तो चार जो दो जो हैं प्राइमरी अल्कोहल्स बनती हैं, तो एक सेकेंडरी और एक टर्शरी अल्कोहल बनती है। तो ये चार रिएक्शंस चार मार्क्स के आ जाते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती है, हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नर्स रिएजेंट। तो गाइस ये जो होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 10 जो है वो बहुत इजी चैप्टर है, ये आपका करना बनता भी है, आपके ये ड्रॉ करना नहीं बनता। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस मैंने आपको भी बताया कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनकी जो डिटेल है सारी, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की PDF कॉपी मिल जाए या आपको हार्ड कॉपी में मिल जाए, तो उन्हें जो है तैयब अली फोटोकॉपी सेंटर है वहाँ पर उसको आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें। मैं उसका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। तो नोट्स में मैं डील नहीं करता बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर पर्सन को नोट्स सेंड करता, फिर तो सारे नोट्स फिर बंदा मोबाइल में लेके भी नहीं फिर सकता। तो आईफोन है मेरे पास, आपको पता है आईफोन का तो मेमोरी प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा तस्वीरें वीडियोस बनानी होती हैं तो इस वजह से वो मेमोरी प्रॉब्लम ही रहता है, कोई भी चीज़ ढूंढने में महीना लग जाता है। तो वो इस झंझट में मैं नहीं पढ़ सकता। तो वो आपको जो है अली फोटोकॉपी सेंटर पे जो तैयब भाईजान है उसका नंबर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट उसको कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से आप जो है ले सकते हैं जो नोट्स वगैरह हैं जो भी आपका है। तो उसके अलावा भी जो फेसबुक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिए गए हुए हैं, आप उन पर फोकस कर लें। आप जो है मुझे डिफरेंट मीडियाज़ के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी गाइज अभी आप लोग भी सो रहे हैं, तो जब आप लोग जागेंगे तो तब तक ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी और आप लोग ये वीडियो जो है वो तब देख लीजिएगा, तो आपको सारी की सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी देखते हैं, मुझे लग रहा है कि ये लाइव सेशन वाला जो सिस्टम है वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो लेकिन चलें देखते हैं। अभी इसको कुछ देर तक चलाते हैं बिकॉज आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी करीब हैं तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इस तरह लाइव वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, फिर मैं वैसे वीडियोज़ बना के भी अपलोड करता चला जाऊँगा। मेरा ख्याल था कि पहले केमिस्ट्री को कवर कर दूँ, उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स की तरफ भी आना है, मैंने बायो की तरफ भी आना है, मैंने मैथ्स की तरफ भी आना है, इंग्लिश उर्दू की तरफ भी आना है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोफेसर्स को मिलना पड़ेगा, तो उनसे सजेशंस लेना पड़ेंगी, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता होता है। तो बाकी गाइस मैं लाइव सेशन यहाँ क्लोज करता हूँ। आप लोग जब भी देखेंगे इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मतलब इसकी एक्सेस मिल जाए। बाकी गाइस अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
वेट अ सेकंड, लेट मी मेक हाइलाइट्स, सेव हाइलाइट्स एंड गुड बाय।